नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं शो इलेक्शन व्हील, जहां आपको दिखाई जाती हैं 11 प्रदेशों की बड़ी चुनावी 11 खबरें। पूरी वीडियो देखने के लिए न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने शो की और सबसे पहले घुमाते हैं इस व्हील को, जिसका नाम है चुनावी चक्का। व्हील घूमेगा और रुकेगा जिस प्रदेश पर, जो भी प्रदेश इस तीर के सामने आएगा वहां की खबर आपको दिखाई जाएगी। खबर होगी चुनावी, जो असर डाल रही होगी उस प्रदेश की हर एक जनता पर। साथ ही साथ आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। तो यहां पर चक्का रुक चुका है राजस्थान पर आकर, तो नजर डाल लेते हैं राजस्थान की इस इलेक्शन व्हील खबर पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वो जो है आपने वो नहीं भेजी सरकार, मतलब मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और वो आगे नहीं भेज रहे हैं। अरे भाई, मुझसे मुख्यमंत्री खिलाफ हो सकते हैं, किसानों ने जाकर शुरू किया। इस प्रकार आप भाषा काम ले हो, ये उचित नहीं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमेशा असत्य बोलते हैं। जब से ये राजनीति में आए हैं, असत्य के आधार पर ही वो काम चला रहे हैं। अपना प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री गरिमा अलग होती है। प्रधानमंत्री बोलता है, देश का प्रधानमंत्री बोलता है, वो दिल के छूने वाली बात होनी चाहिए देशवासियों की, वो उसका अभाव है। अभी मुझे किसी ने एक अच्छा रिपोर्ट भेजा, मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में झुलाना और मोदी जी से सच बुलवाना असंभव है। मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में जलाना और तुम से सच बनाना असंभव मुलायम मोदी। ये बिल्कुल रूप रू जो है आप बोलने में शुभ हो जाए, लाइव भी हो रहा होगा, तो ये स्थिति है। तो राजस्थान से अभी आपने देखी इलेक्शन व्हील की खबर। एक बार फिर से अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और इस चक्के को घुमा देते हैं और इंतजार करते हैं इसके रुकने का, और फिर देखेंगे किस प्रदेश पर रुकता है ये चक्का और वहां की चुनावी खबर आपको दिखाई जाएगी। तब तक आप न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम बात कर रहे थे लोकसभा चुनावों की, 4 चरण हो चुके हैं, बाकी बचे हैं 3 चरण। देखना होगा कि किस नेता ने या किस राजनीतिक पार्टी ने जनता का रुख अपनी ओर किया है। रिजल्ट्स बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि यहां पंजाब आकर रुक गया है तीर के सामने। तो देख लेते हैं पंजाब से इलेक्शन व्हील की ये खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इलेक्शन व्हील में खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहता है जब तक पूरे प्रदेशों की खबर हम आपको दिखा नहीं देते हैं। तो फिर से एक बार हम आपको बता दें कि आप हमसे जुड़े रहते हैं और ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और हमसे क्या जानना चाहते हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी या फिर नया चेहरा राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में, सिर्फ 2 ही बड़े चेहरे हैं प्रधानमंत्री के लिए। आप हमें जरूर बताइए कि आप किसे प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं और आखिर क्यों। तो यहां पर फिलहाल हरियाणा आ गया है, चक्का रुक चुका है, तो पहले नजर डाल लेते हैं कि केजरीवाल जब पहुंचे हरियाणा तो उन्होंने क्या कहा अपनी चुनावी रैली में। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए नेताओं के दौरे तेजी से प्रचार पकड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता अब हरियाणा लोकसभा के दौरे पर निकल चुके हैं।
23 अप्रैल को जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में रोड शो निकाला। के लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। आज से 5 साल पहले दिल्ली में भी यही हाल था। दिल्ली में भी 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस दोनों मिलकर लूटा करते थे। आज हरियाणा में भी यही हाल है। 10 साल तक हुड्डा जी ने हरियाणा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और पिछले 4-5 साल से खट्टर साहब ने हरियाणा का कोई विकास नहीं किया। केवल और केवल हरियाणा के अंदर जातिवाद के नाम पे दंगे कराए। एक तरफ जहां पिछले 5 साल से दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल अच्छे हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को हमने फीस नहीं बढ़ने दी, सरकारी अस्पताल शानदार बन रहे हैं, लोगों को 24 घंटे बिजली मिलने लगी है, बिजली सबसे सस्ती कर दी, घर घर पानी पहुंच रहा है। आप लोगों के यार दोस्त रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, अगर आप उनसे बात करें तो आपको पता चलेगा दिल्ली में किस कदर विकास हो रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली में विकास हो रहा था, हरियाणा जाट और नॉन जाट के दंगों के अंदर झुलस रहा था। खट्टर साहब ने केवल लोगों को लड़ाने के अलावा, दंगे कराने के अलावा बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। दोस्तों, अब हरियाणा के लोगों के सामने विकल्प है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी का यह गठबंधन वही सारे काम करेगा जो काम दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाए हैं। अब मौका आ गया है कि हम बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंके और आने वाले चुनाव के अंदर आप लोग झाड़ू का बटन दबाकर आपके अपने एडवोकेट कृष्ण अग्रवाल जी को भारी बहुमत से जिताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। करनाल वासियों से एक ही विनती आग्रह करूंगा कि अब 11 दिन बचे हैं और संयुक्त तौर पर आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने भाई कृष्ण अग्रवाल को आपके बीच में उम्मीदवार के तौर पर उठाया है। मैं तो विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि 5 साल हो गए आपने बीजेपी का सांसद चुनकर भेजा था, 4.5 साल से करनाल को मुख्यमंत्री का शहर गिनते स्मार्ट सिटी में इसको गिना जाता है। पर आज आकर बताओ किस चीज में सुधार करने का काम किया। आज सारा जिले की, पूरे जिले की सड़कें टूटी पड़ी। ये मैं चढ़ के 5 साल में कुछ किया तो हमारे बीच में जात पात का जहर फैलाया, हमें बांटने का प्रयास किया और इस सोच के साथ काम किया कि कहीं ना कहीं अंग्रेज जहाँ डिवाइड एंड रूल करा करते थे, वहाँ हम अपने प्रदेश को भी तोड़े बांटे। मैं तो आपसे अनुरोध करता हूँ, मौका बहुत सुनहरा, दिन में इतना दम नहीं है बीजेपी वालों में कि खुद के नाम पर वोट मांग कर दिखाए। आज मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देता हूँ कि हरियाणा में खड़े होकर ये कह दे कि मनोहर लाल खट्टर ने काम किया तो हमारे 10 उम्मीदवारों को वोट दे। मुख्यमंत्री भागते हैं और जाकर कुर्ता पकड़ लेते हैं मोदी जी का, कहते हैं मोदी जी के नाम पर वोट दो। मैं करनाल वासियों से पूछता हूँ, 5 साल में मोदी जी हरियाणा की धरती पर 5 बार भी आए तो बताओ। देर शाम जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला और अरविंद केजरीवाल रथ में सवार होकर करनाल पहुंचे और भाजपा से लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही जनता से वोट की अपील भी की। न्यूज डेस्क। तो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रदेश अब कौन सा आता है इस चुनावी चक्के के रुकने के बाद, क्योंकि शो का फॉर्मेट है इलेक्शन व्हील, जिसका नाम है व्हील है शो का सूत्रधार, जो ये निर्णय लेता है कि अगले प्रदेश की कौन सी खबर आपको दिखाई जानी है जो होगी चुनावी खबर, क्योंकि इस समय चुनाव का माहौल पूरे देश में छाया हुआ है। 17वीं लोकसभा चुनाव इस वक्त चल रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, आधी जनता का रुख पता चल चुका है, बाकी चरणों में भी दिख जाएगा कि जनता आखिर किसे देखना चाहती है अगला प्रधानमंत्री। तो यहां पर धीरे धीरे चक्का रुकता हुआ आप देख सकते हैं रुक गया है उत्तर प्रदेश पर। तो बता दें कि फौज से बर्खास्त हुए तेज बहादुर का दूसरा नामांकन भी रद्द हुआ।
अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का नामांकन खारिज हो गया है। निर्वाचन अधिकारी ने सपा प्रत्याशी तेज बहादुर यादव को दो नामांकन पत्रों में अलग अलग जानकारी दिए जाने को लेकर नोटिस दिया था। इसके बाद तेज बहादुर यादव ने अपने वकील के साथ नोटिस को लेकर निर्वाचन अधिकारी को जवाब दिया। वहीं निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में नामांकन पत्रों की जांच शुरू हुई, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने तेज बहादुर के नामांकन पत्र को खारिज कर दिया। ऐसा है, नामांकन हमारा कैंसिल कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। हमारे कहा गया है कि जो आपसे एविडेंस मांगे गए थे वो आप पेश नहीं कर पाए, जबकि हमारे से जो एविडेंस मांगे गए थे वो शाम को 6:15 पे मांगे गए। हमने कहा कि मैं कोई अडानी अंबानी नहीं हूं जो चार्टर प्लेन लेके दिल्ली चुनाव आयोग में जाऊंगा और एविडेंस लेके आऊंगा, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया और हमारे एविडेंस भी आ गए, उसके बावजूद भी कैंसिल कर दिया। कहा कि नहीं, 11 से पहले आपके एविडेंस नहीं आए, तो ये एक तानाशाही तरीके से जो है रिजेक्शन किया गया। तो 5 के अंदर में जो भी सरकारी आदमी अगर कोई डिसमिस होता है तो वो डिसमिसल करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट की वजह से नहीं है या है, इन दोनों ही केसेस में एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन से आता है। हमने मौका भी दिया, कल आज 11 तक का डेफर करके, लेकिन 11 तक कोई इस तरीके का सर्टिफिकेट नहीं आया। और उसी के अभाव में जो डिसक्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में निर्धारित है, उस डिसक्वालिफिकेशन के आधार पर और जो प्रोविजन्स हैं उनके आधार पर एक लॉन्ग स्पीकिंग ऑर्डर, पूरा सुनवाई के बाद जो ऑब्जेक्शन आए थे उनकी सुनवाई के बाद सबको समाहित करते हुए जो श्री तेज बहादुर हैं उनका नामांकन निरस्त किया गया। आपको बता दें कि तेज बहादुर यादव ने एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था। पहली बार में नामांकन रद्द होने के बाद अचानक उन्होंने सपा के टिकट से नामांकन किया। फिलहाल तेज बहादुर का नामांकन खारिज होने के बाद शालिनी यादव सपा की तरफ से पीएम मोदी को टक्कर देंगी। न्यूज डेस्क। तो अभी आपने देखा कि तेज बहादुर का दूसरा नामांकन भी रद्द हो चुका है। अब देखना होगा कि वो किस पार्टी से फिर से अप्लाई करते हैं या और उनका नामांकन एक्सेप्ट होता है या फिर नहीं। फिलहाल हमने यहाँ चक्का घुमा दिया है, अब देखना होगा कि अगला प्रदेश कौन सा आता है और किस प्रदेश की अगली चुनावी खबर आपको दिखाई जाती है, क्योंकि इलेक्शन व्हील में खबरों का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक सारे प्रदेशों की खबर हम आपको दिखा नहीं देते हैं। हम आपसे कह रहे थे कि लोकसभा चुनावों का माहौल इस वक्त पूरे देश में चल रहा है, दो ही बड़ी पार्टी सामने हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस। फिलहाल हम आपको बता दें कि बिहार पर आकर चक्का रुक चुका है, तो देख लेते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा, क्या कुछ कहा उन्होंने इलेक्शन व्हील की इस खबर में। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मुझे उसका पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर दिखता है कि कहीं कुछ दाल में काला ये दिखता है। ये क्या मतलब है कि लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का रवैया जो है प्रधानमंत्री या वन मैन शो वुमेन आर्मी के तरफ अलग है और बाकी लोगों के लिए अलग है। आज ही आपने देखा होगा कहीं कुछ बातें हुई थी, हेट स्पीच का मामला था, उस पर क्लीन चिट मिल गया उनको, कहीं दूसरा मामला है उस पर कोई जवाब ही नहीं दिया 20-25 दिनों तक। अंतोगत्वा हमारे तमाम गठबंधन विपक्ष के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा है, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। और ये भी जो है तेज बहादुर का मामला जो लगता है बहुत जम रहा था मामला, जैसे अजय कुमार बहुत दमदार उम्मीदवार हैं वहाँ से कांग्रेस, उसी तरह से ये भी कम दमदार नहीं थे जो तेज बहादुर नाम है। और ये जो हुआ है मुझे लगता है कहीं कुछ फिलहाल ज़्यादा क्या लास्ट क्वेश्चन सब सामना में आज उद्धव ठाकरे क्वेश्चन प्राइम
बिहार से अभी आपने देखी इलेक्शन व्हील की खबर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए इस चक्के को घुमाना जरूर होता है, क्योंकि यही हमें बताता है कि अगला प्रदेश कौन सा होगा और कहां की खबर आपको दिखाई जाएगी। तब तक आप हमसे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कि और कौन सी खबर आप हमसे जानना चाहते हैं। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए न्यूज से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि ताजा तरीन खबरों से आप हमेशा रहें अपडेट। चुनावी चक्का घूम रहा है और उसकी स्पीड अब धीरे होती जा रही है, और ये रुक चुका है आकर झारखंड पर। तो नजर डाल लेते हैं झारखंड की सिलेक्शन व्हील खबर पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये कांग्रेस पार्टी, ये यूपीए गठबंधन में जेएमएम जेबीएम आरजेडी के लोग से यहाँ की जनता पूछना चाहती है कि आधी शताब्दी के राज करने के बाद भी गरीब के जीवन में बदलाव क्यों नहीं, आदिवासी समाज के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आए, जो शोषित वंचित पीड़ित पिछड़े अकलियत के समाज के जीवन में बदलाव क्यों नहीं। और ये सारा देश जानता है कि 55 साल 60 साल तक इस देश को इस चोर कांग्रेसी इन्होंने देश को लूटने का काम किया, गरीब की योजनाओं को लूटने का काम किया, और यही गठबंधन अलग राज्य के बाद 14 साल से एक निर्दलीय मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाकर 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला, ये मैं नहीं कर रहा हूं, इस राज्य के मीडिया ने 2 साल जो मधु कोड़ा के नेतृत्व में इस राज्य के संसाधन को, इस राज्य की गरीब की योजनाओं को जो लूटने का काम किया, वही गठबंधन इस राज्य में फिर से बना, जिसका नाम है महागठबंधन। और ये गठबंधन क्यों, फिर राज्य को लूटने के। झारखंड के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं, और शो को बढ़ाने के लिए इस व्हील को घुमाना जरूरी है, क्योंकि व्हील ही हमें बताएगा कि अगला प्रदेश कौन सा होगा जहां की खबर आपको दिखाई जानी है। तो हम आपसे कह रहे थे कि न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा देश और दुनिया की सभी खबरों को जानने के लिए, क्योंकि न्यूज ही आपको देता है हर अपडेट सबसे पहले। लोकसभा चुनाव पूरे देश में गरमाया हुआ है, असर चल रहा है, हवाएं चल रही है, चुनावी माहौल हर जगह चल रहा है, नेता हो या राजनीतिक पार्टियां हो सिर्फ और सिर्फ यहां पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं जनता का मन साधने के लिए। तो यहां पर धीरे धीरे चक्का मध्य प्रदेश पर आकर रुक चुका है, तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने क्या कुछ कहा अपने इस वक्तव्य में। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पूरा देश साध्वी प्रज्ञा को जानता है, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं, ये अपनी बात अपना हिसाब किताब पिछले 5 साल का देना नहीं चाहते। साध्वी प्रज्ञा के चेहरे से समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार की एक तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे प्रजातंत्र के लिए मैं सोचता हूँ बहुत गलत है। पूरा देश साध्वी प्रज्ञा को जानता है, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं, ये अपनी बात अपना हिसाब किताब पिछले 5 साल का देना नहीं चाहते। साध्वी प्रज्ञा के चेहरे से समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार की एक तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे प्रजातंत्र के लिए मैं सोचता हूँ बहुत गलत है। तो शो को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं, और इसे आगे बढ़ाने के लिए चक्के को हमें घुमाना होगा, जिसका नाम है चुनावी चक्का, यानी कि इलेक्शन व्हील। शो का सूत्रधार है ये चक्का, ये घूमता है तभी हमें पता लगता है कि अगली खबर आपको किस प्रदेश से दिखाई जानी है। तो देखेंगे कि कहां पर रुकता है ये आकर, और फिर उस प्रदेश की चुनावी खबर आपको दिखाई जाएगी। तब तक आप न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे बात कर रहे थे कि देश में इस वक्त दो ही बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। देखना होगा कि अगला प्रधानमंत्री किस पार्टी से बनता है। तो यहां पर जम्मू कश्मीर पर आकर चक्का रुक गया है, देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या है इलेक्शन के हालात इस वीडियो में।
अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का कहना है कि दक्षिणी कश्मीर के लोगों ने बहुत मुसीबतें झेली हैं और यही कारण है कि चुनाव में मतदान का प्रतिशत घटा है। भाजपा के पास अनुच्छेद 370 और 35A के अलावा कोई और मुद्दा है ही नहीं, वो हर कदम पर नाकाम ही रही है, इसलिए अब वो रियासत के विशेष दर्जे को लेकर राजनीति कर रहे हैं। न्यूज डेस्क। जम्मू कश्मीर में देखा अभी आपने क्या है हालात, वहाँ के चुनावी माहौल किस तरह से वहाँ गरमाया हुआ है, लोग कश्मीर की जनता को साधने में लगे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर जो मेन मुद्दा है आतंकवाद का है, अब तक वहाँ के लोग इस मुसीबत से उभर नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ का जो यूथ है वो भी चाहता है कि अब वो खुली हवा में अपनी पढ़ाई कर सके, भविष्य बना सके और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। फिलहाल हम यहाँ देख रहे हैं कि चक्का चल रहा है और देखेंगे कि अगला प्रदेश यहाँ पर कौन सा आता है। इंतजार है हमें इसके रुकने का और फिर आपको दिखाएंगे वहाँ की चुनावी खबर। धीरे धीरे रुकता हुआ ये चक्का आ गया है, आप देख रहे हैं हिमाचल पर आकर रुक गया है, तो नजर डाल लेते हैं हिमाचल के इलेक्शन व्हील खबर पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार को गति दी। बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती की भाषा की मर्यादा पर सवाल उठाने और उन पर प्रतिबंध की मांग करने वाली कांग्रेस अपने नेता नवजोत सिंह सिद्धू की भाषा पर कन्नी काटती नजर आ रही है। ऐसा है, आप जो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं या हमारे स्टार प्रचारक हैं, आप उनके द्वारा यूज़ किए हुए शब्दों को मेरे से आप रिवर्ट करवाना चाह रहे हैं। मैं कैंडिडेट हूं, मैंने सिद्धू के भाषणों को भी नहीं सुना, मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूं। मैं हूं अपने चुनाव क्षेत्र में, यहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के सतपाल सत्ती जी ने जो जिस भाषा का प्रयोग किया था उसका हमने विरोध किया है। मैंने नहीं किया विरोध, सब ने विरोध किया है। और जो विधानसभा के अंदर और बाहर जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर हमारे मेंबर पार्लियामेंट राहुल जी को और प्रियंका जी को जो गाड़ियां निकालते हैं ये तो सारी दुनिया ने देखा हुआ है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा प्रदेश कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध दिए गए बयानों से भी किनारा किया। माननीय वीरभद्र सिंह हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो इतनी बार जो है वो 5-6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, दिल्ली की सरकार में मंत्री रहे हैं, उनकी अपनी जगह है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन उन्होंने जो कहा क्या छप गया उस पर मैं विवाद पे मैं नहीं पढ़ना चाहता। वहीं चुनावों में नशे को कांग्रेस क्या मुद्दा बनाएगी, इस सवाल पर रामलाल ने नशे के मुद्दे को गैर राजनीतिक मुद्दा बताया। एक कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के अंदर और बाहर हमने नशे के खिलाफ जो है गवर्नर साहब को भी ज्ञापन दिया था पार्टी की तरफ से, और विधानसभा में मुकेश अग्निहोत्री जी और हमने इस मसले को बड़ी ज़ोरदार उसमें उठाया था। कांग्रेस पार्टी जो है इसका विरोध करती है और जो नशाखोरी है और जो बढ़ रहा है और जिसमें कुछ लोग जो है वो पैसे के लिए नौजवानों को खराब कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सिद्धांतिक तौर पे इसके खिलाफ। वहीं नशे के मुद्दे पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी नशे को गैर राजनीतिक मुद्दा ही करार दिया। देखिए, नशा जो है राजनीतिक मुद्दा नहीं है और भाजपा के लोग इसे भाजपा के राजनीतिक तराजू में तोलते रहे हैं, आपने हमेशा देखा होगा। और अब जो भी डेथ्स हुई हैं वो ऊना में हुई हैं और एक तो हाल ही में हुई हैं और उससे पहले भी 2 डेथ्स हुई हैं, और पूर्व विधायक सतपाल सत्ती जी के गांव में डेथ्स हुई हैं। तो 1.5 साल हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अब इनको जो है इसके लिए कड़े और बड़े कदम उठाने चाहिए। इसको राजनीतिक तराजू में तोल के या आक्षेप लगा के गुजारा नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस नेता अपने नेता नवजोत सिंह सिद्धू की भाषा पर कन्नी काटते नजर आ रहे हैं।
ऊना से न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। तो इलेक्शन व्हील में आज आपने देखी बड़े प्रदेशों की बड़ी चुनावी खबरें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे विदा लेंगे कि कल फिर आएंगे इन प्रदेशों की बड़े प्रदेशों की बड़ी चुनावी खबरें लेकर। इस व्हील को घुमा देते हैं क्योंकि जब तक ये व्हील चलता रहेगा खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, नमस्कार।